अपने बीच में के अंदर ग्लेशियर का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिटल क्राउन मोबाइल इंडिया की हर पोस्ट के नीचे एक ही कमेंट हम लोग को ज़रूर मिलता है कि ग्लेशियर इज़ बैक या ग्लेशियर लाइक बटन। तो यार इस चीज़ से आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि ग्लेशियर का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और ये सिर्फ बीच में के अंदर नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ग्लेशियर का, M4 ग्लेशियर का मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि यार उसको हमेशा क्लासिक क्रेट में ऐसी जगह पे लाया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो ग्लेशियर की लीक है, अभी देख सकते हो कि बेजमाई के अंदर जो क्लासिक रेट है वो जाने वाला है। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा लोगों का हिंट भी आ रहा है कि ग्लेशियर हो सकता है कि वापस आएगी क्लासिक रेट में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लासिक रेट की लीक्स देखने वाले हैं कि क्या हम लोगों को ग्लेशियर देखने को मिल रही है उसके अंदर। तो आज की वीडियो में सब कुछ पता लगेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि कैसे कैसे होने वाला। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सर, BGMI के अंदर इससे पहले जो ग्लेशियर आई थी वो आई थी, आप सभी लोग को पता है कि नवंबर दिसंबर के मंथ में आई थी। एंड गाइस वो एक नॉर्मल से क्रेट में आई थी, ना कि क्लासिक क्रेट में आई थी। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं। और एक चीज़ ये भी था कि उसके अंदर ग्रांटेड था कि अगर आप 200 टाइम उस क्रेट को ओपन करते हो तो आप लोगों को जो ग्लेशियर है वो 101% है कि मिल जानी है। और उसमें टोटल यूसी लग रहे थे 10,400 के करीब यूसी लग रहे थे, 9,400 के करीब यूसी लग रही थी। तो ये चीज़ के बाद आप सभी लोग को पता है कि यार अब इतना ज़्यादा पैसे कोई गेम में क्यों ही स्पेंड करेगा, जैसे कि मैं हुआ या मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हुए, और उनको रॉयल पास लेने तक के लिए पैसे नहीं है, तो अब वो कैसे करेंगे 10,000 का जुगाड़, क्योंकि 10,000 भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज़ है। तो आप लोग को बता दो, तो वो लोग चाहते हैं कि वो जो ग्लेशियर है, जैसे कि पहले होता था कि ग्लेशियर को हम लोग क्लासिक क्रेट में देखने को मिलती थी, तो वो बंदे जिसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो ग्लेशियर है ये आप सभी लोग को पता है कि नॉर्मल से क्रेट में आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लासिक क्रेट में आए। तो अभी उसकी हम लीक्स देखेंगे। फिलहाल हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि जो ग्लेशियर है कि वो क्लासिक क्रेट में क्यों आए, ठीक है, और ये ग्लेशियर को ये इतना ज़्यादा हाइप बना के क्यों रखते हैं BGMI वाले। तो आप लोग को एक चीज़ बता दो कि जैसे कि मान लो कि अभी बहुत ज़्यादा ओल्ड बंदे छोड़ चुके हैं गेम खेलना, अब बहुत सारे नए बंदे आते हैं, मतलब नए बच्चे वो गेम खेलना चालू करते हैं, तो अब ये जो ग्लेशियर की है उनको ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, पर ये जो ग्लेशियर है वो ऐसे टाइम पे देंगे जिससे वो ओल्ड प्लेयर भी वापस आएँ और जो न्यू प्लेयर आ रहे उनको भी इंटरेस्ट वगैरह हो ग्लेशियर वगैरह में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं क्लासिक क्रेट की न्यू लीग, देखते हैं कि कैसी होने वाली है। भाई सर, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्लासिक क्रेट के अंदर। एंड गाइस आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोग देख सकते हो कि 8 मिथिक देखने को मिल रहे हैं। पहला ये मिथिक, उसके साथ फुल हेड गियर, और ये आउटफिट आई थिंक पुराना है, तो ये आउटफिट तो क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हो कि एक सेकंड वाला आउटफिट, ये भी आउटफिट ऑलरेडी आ चुका है BGMI वगैरह में, तो ये देख सकते हो गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटफिट है, ये भी क्लासिक क्रेट में देखने को मिल रहा है। एंड गाइस इसके बाद ये वाला आउटफिट देख सकते हो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आउटफिट है। इसके साथ इमोट कौन सा है, तो इसके साथ इमोट ये वाला है, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हो कि 4 मिथिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर गाइस आपको पता है कि BGMI के अंदर क्लासिक क्रेट में मिथिक आए हुए काफ़ी ज़्यादा मंथ हो चुके हैं, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कोई मिथिक वगैरह तो नहीं आ रहा है। अब मिथिक वगैरह की जगह पे कौन से आउटफिट आ सकते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो कि इनमें से कोई आउटफिट आ सकता है, जैसा कि ये वाला आउटफिट हुआ, चाहे ये वाला आउटफिट हुआ, चाहे ये वाला आउटफिट हुआ, चाहे ये वाला, नो डाउट ये भी ऑलरेडी क्लासिक क्रेट में आ चुके हैं, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, या ऐसे ही कोई लेजेंडरी वगैरह आउटफिट आ सकता है BGMI के अंदर, जो कि आने के बाद ही पता लगेगा। तो ये चीज़ हो गई। और गन की स्किन में आप लोग देख सकते हो कि SKS है, यहाँ पे देख सकते हो कि हनी बेजर की स्किन है, UMP की स्किन है, तो यार इन तीनों गनों में से कोई भी गन, ऐसी कोई नॉर्मल सी गन की स्किन आ सकती है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप लोगों को जो ग्लेशियर वापस आए। लेकिन हाँ, ये जो यहाँ पे क्रेट मैं देख रहा हूँ, ये PUBG वाली की क्रेट है, इसके अंदर तो ग्लेशियर रहती रहती है, गई नहीं है मतलब, तो क्या ही दिक्कत है। तो आप लोगों को ये मत सोचना है कि हम हमारे के अंदर आएगा तो वो भी निकल जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे लक कर लेते हैं, ग्लेशियर पर विश कर देते हैं, इसके बाद हम लोग ओपनिंग करते हैं। 4 क्रेट है, देखते हैं क्या ग्लेशियर निकल जाती है कि नहीं निकलती। ओके, फर्स्ट यहाँ पर मैंने ओपन कर दी, ओके सेकंड यहाँ पर ओपन कर दिया मैंने, ओके थर्ड यहाँ पर ओपन कर दिया मैंने, थर्ड ओके डन हो गया डन, उसके बाद फोर्थ, ओके मुझे लगा कि ग्लेशियर निकल गया कुछ में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 क्रेट में मेरी ये तो आउटफिट तो निकल गई, पर ग्लेशियर नहीं निकली है। पर इसमें विश चलता है, तो इसमें अगर आप 200-300 टाइम अप करते हो तो आप लोग का ये ग्लेशियर है वो निकल जाती है इसमें। तो ये तो आप लोग देख लिया ये क्रेट, तो आप लोग इसमें तो ग्लेशियर देखने को मिल रही है। पर गाइस सर, BGMI के अंदर ग्लेशियर के लिए कोई पक्का नहीं है, और जो क्लासिक क्रेट की लीक है वो अभी आई नहीं है,
और जैसे ही आ जाती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन 2-3 दिन बचे हुए हैं तो उसमें मुझे लगता ही नहीं कि बीजेपी के लिए लीक्स आएगी। ऐसे आपको डायरेक्ट क्रेडिट देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल सी क्रेडिट होते इसलिए ज़्यादा लीक्स वगैरह आती नहीं है, कुछ खतरनाक चीज़ होते लीक्स वगैरह आए भी। तो यही था, और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ग्लेशियर की अब एक रिसेंट में एक लीक आई है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ग्लेशियर वाली स्किन है। पर गाइस ये ग्लेशियर ना तो ये AKM की है ना तो ये M4 की है, ये होने वाली है M762 ग्लेशियर स्किन। अब गाइस ये ग्लेशियर स्किन आप सभी लोगों को BGMI एंड PUBG दोनों में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ देखने के बाद लोग अब अज्यूम कर रहे हैं कि BGMI के अंदर हो सकता है कि ग्लेशियर वापस आ जाए, तो ऐसा ग्लेशियर ये ग्लेशियर नहीं M416 की बल्कि ग्लेशियर वापस आ रही है, वो भी आ रही है M762 की।